नगर निगम की लापरवाही के चलते एक बार फिर एक मजदूर ने अपनी जिंदगी से हाथ धो लिया। मामला केके इस्पान कंपनी के द्वारा खोदे जा रहे अंडरग्राउंड सीवर लाइन की खुदाई का है, जहां पर एक मजदूर पाइपलाइन डालते समय ऊपर से धसी मिट्टी के नीचे दब गया, जिसे निकालने के लिए समुचित व्यवस्था न होने के चलते जेसीबी मशीन से खोद कर निकाला गया, जिसका पंजा मजदूर के सीने में धस गया। मजदूर को निकालकर आनंद फानन में संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। नगर निगम के द्वारा शहर में अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन बिछाने का काम केके इस्पात कंपनी को दिया गया है, जिसके द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर 10 फीट गहरी नाली खोदी जा रही है। पूरे शहर को गड्ढे में तब्दील कर दिया गया, जिसका विरोध स्थानीय लोग लगातार कई दिनों से कर रहे थे और आशंका व्यक्त कर रहे थे कि किसी भी दिन गंभीर घटना घट सकती है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद भी ना तो नगर निगम प्रशासन की आंखें खुली और ना ही ठेकेदार की, और आज जब विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के जनता कॉलेज के सामने खुदाई करते समय काम कर रहा मजदूर विनय कोल पाइप लाइन डालने के लिए गड्ढे में नीचे उतरा तो ऊपर से मिट्टी धस गई। काम कर रहे मजदूर ने शीघ्र ही ठेकेदार के साथ पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी मशीन के द्वारा मिट्टी हटाकर मजदूर को बचाने का प्रयास किया, लेकिन गीली मिट्टी और जगह कम होने के चलते मजदूर घंटों मिट्टी में दबा रहा। जेसीबी के द्वारा खुदाई कर निकाले जाने के कारण श्रमिक के पेट में पंजा धस गया। मजदूर को निकालकर संजय गांधी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये घटना घटी यहाँ पर, ये मजदूर की मौत हो गई। हम लोग महीनों से विरोध कर रहे हैं और आज ये घटना घट गई। हम तो बिल्कुल अवाक रह गए, इस तरह से बच्चा चला गया। उसकी दो दो बच्चे हैं और पत्नी है, और बड़ी परेशानी की बात है। हम लोग कैसे रहे रीवा में, बताइए आप लोग। कितना खतरा मानती हैं जो ये नाली खोदी जा रही है बीच सड़क बीच बस्ती से? अरे खतरा, ये कल तो 5-6 लोगों की मिट्टी गिरी उधर सामने इंजीनियरिंग कॉलेज के, लगा कि 5-6 लोग मर जाएंगे, पर हटे हुए थे वो। उस समय खाने का समय नहीं था, खाने का समय था इसलिए लोग हटे हुए थे, तो कुछ नहीं हुआ। क्या मानती है खतरा बना हुआ? प्रशासन की लापरवाही से जान जा रहे हैं। हाँ, प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही। आप लोग विरोध नहीं कर रहे? विरोध कर रहे हैं, कल हम लोग प्रदर्शन किए हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जैसे जंगल राज हो गया है बिल्कुल। कोई किसी का सुनने कोई नहीं तैयार। कहाँ जाएं हम लोग, किससे कहें, बताएं? कोई सेफ्टी नहीं है। ये नगर निगम के द्वारा सीवर लाइन को खुदाई हो रही थी, मजदूर दब के मर गया है इसमें। यहाँ के लोग कहना कि बहुत दिनों से गड्ढा खोदा गया था, बहुत बड़ी घटना घट सकती थी, क्या मानती है? लगातार विगत साल भर से सड़कें बनी बनाई कंक्रीट सड़कों को बुरी तरह खोदा जा रहा है। नगर निगम का प्रशासन, जिला का प्रशासन, कोई भी आदमी उसको देखने वाला नहीं होता, मॉनिटरिंग बिल्कुल जीरो रहती है। हम लोग ने बहुत शुरुआती तौर से कहा है कि जो एजेंसी है बहुत प्रॉपर तरीके से काम करे, और जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस साथ में खड़े होकर काम करे। इनकी लापरवाही के कारण आज नाहक में एक हमारा बिल्कुल युवा मजदूर मारा गया, और आप देख रहे हैं कि 400 फीट नीचे उसकी लाश थी। बड़ी मुश्किल 4-5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने निकाला। अभी तक उसका पूरी सड़कों में खून फैला हुआ है। तो ये पूरी तरह जिला प्रशासन, सरकार, यहाँ के मंत्री, विधायक और महापौर की लापरवाही। इन लोग एक भी दिन उसको झांकने नहीं आए, और ये हत्या की जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। जो रोज सीवर के नाम पे बात करते हैं, कहते हैं कि हम सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। अरे क्या बना रहे हो? रात में काम एक भी दिन नहीं, और रात में अंधेरे में भी काम कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। लगातार जब से काम चला तब से हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कोई मॉनिटरिंग अथॉरिटी को खड़ा करके उसके सानिध्य में, उसके मार्गदर्शन में काम करो। अनस्किल्ड लेबर है, जबकि इसके लिए बहुत प्रॉपर आदमी होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होना चाहिए, जो स्किल्ड लोग काम करें। अनस्किल्ड लोगों से काम कराना। क्या मानते हैं प्रशासन, नगर निगम की लापरवाही वजह से मजदूर की जान चली? लापरवाही, और इनके ऊपर हत्या का अपराध कायम होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक गरीब मजदूर की हत्या की है, उसमें हत्या का अपराध कायम होना चाहिए।